नमस्कार, न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि कैसे अपने देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो, और दूसरे स्टेट्स में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश एक वानगी पेश करता है कि हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, इनकी पार्टी की जो सरकार है, इनकी पार्टी के जो संगठन है, जो आनुषंगिक संगठन, किस तरह से गाय गोबर की राजनीति को क्या शक्ल दे रहे हैं। गाय गोबर की इनकी राजनीति समाज को, हमारे खेतिहर समाज को, खासकर किसानों को और पूरे ग्रामीण जीवन को क्या क्या उपलब्ध करा रहे हैं, क्या क्या उनको किस तरह से परेशानियों में डाल रहे हैं। इस विषय पर न्यूज़ क्लिक के जो करस्पॉन्डेंट्स हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट की है, उसमें आपको साण संदेश, एक अजीब तरह की क्लिप है, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए क्या है। दोस्तों नमस्कार, ये योगी सरकार द्वारा नई योजना लाई गई है, साण योजना। साण योजना से किसान इतने खुश हैं कि इनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे योगी सरकार की ये योजना किसानों के लिए कितनी लाभदायक है, दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी लाभदायक है ये योजना, साण योजना। साण योजना से किसान कितने प्रभावित हैं और कितने लाभ उठा रहे हैं, दोस्तों ये आपके सामने है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये योगी सरकार द्वारा निकाली गई साण योजना। ये जुलाई अगस्त की बात है कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक पर, बहुत सारी क्लिप, बहुत सारे वीडियो इस तरह के डाले थे। लेकिन अब वो जो कहानियां थीं, जो वाकई स्थानीय स्तर पर, क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया उन दिनों नहीं कर रहा था, और मेनस्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा वैसे भी मोदी और योगी जी की भक्ति भावना में इतना लगा रहता है कि वो इन कहानियों को कहने के लिए वक्त कितना पाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने जब कहानियां डालनी शुरू की तो दबाव में आकर जो मेनस्ट्रीम मीडिया था वो भी उन कहानियों को दिखाने लगा कि ये गाय गोबर की जो राजनीति है वो किस तरह देश के किसानों को ही नहीं, पूरे कृषि अर्थतंत्र को, हमारे जो खेतिहर, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको कैसे नष्ट कर रहे हैं, कैसे उसको तहस नहस कर रहे हैं। देखिए एक क्लिप। 19 मार्च को ये यूपी का सारा इलाके का कमेला बंद हुआ है, और फिर उसके बाद कुछ जगह के खुलेगी, कुछ जगह के बिल्कुल अभी तक बंद है, वेद अवेद का चक्कर चल रहा है। उसके बाद ये अबाई का मेला है, कोई ऐसा नहीं कि नया बनाओ भाई, आगे से रोक लगी है। अगर वो लाइसेंस के लिए ऐसा करते तो हम लोग कोई परेशानी नहीं ना। एक जमाने से हम लोग का 100 साल पुराना का मेला हमारा है, 100 साल, देख 150 साल, और हमारे बाप दादा करते करते वहाँ कमेले से चले आए, और आज कह रहे हैं कि वहाँ से ये हमारा कमेला बनवाते हैं भाई। परेशानी अभी तक के इतनी हो गई है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सभी कुछ है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और हम अगर लेसन के लिए अपने जाते हैं तो हमसे ये बोला जाता है कि आप नगर निगम जाइए, नगर निगम से जब थक के आते हैं तो बोलते हैं खाद विभाग जाइए। पुलिस मांगती है 5,000 दो, 2,000 दो, 10,000 दो, साहब ये कर रही पुलिस, फिर वो काम करने देते हैं, नहीं वरना पकड़ ले जाते हैं। जैसे ही ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई, इसने जितने स्लॉटर हाउसेस थे उन पर जो वैधानिक ढंग से काम कर रहे थे उनको भी तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, उनके मालिकानों को, खासकर सिर्फ उनको छोड़ा गया जो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीकी थे या जो उनके फंड रेजर थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मेंबर्स बताए जाते हैं, उनको तो नहीं छेड़ा गया, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के या दूसरी और कम्युनिटीज़ के लोग, उनको छेड़ा गया, उनको परेशान किया गया। और ये जो कारोबार था, इस पर जिस तरह का प्रभाव पड़ा, उससे जो पूरी की पूरी जो मंडियाँ थीं, जो पूरे के पूरे, खासकर हापुड़ की मंडी, वो किस तरह से प्रभावित हुई, जो एशिया की एक सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, पशुओं की खाल की मंडी, जो मैं समझता हूँ कि अर्थव्यवस्था को एक ताकत देती है उस पूरे इलाके में। आप देखिए हमारी एक रिपोर्ट। अगर आप इस काम को बंद कराना चाहते हैं तो आप बंद करा दो, लेकिन जेंट्स को भी वो दो काम, और लेडीज के लिए भी घर पे काम भेज दो कुछ, जिससे हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें और काम कर सकते हैं, घर की सुविधा के लिए भी कुछ योजना चले। ये नहीं कि आप आगे से माल बंद कर दोगे फिर यहाँ पे भी माल बंद हो जाएगा, यहाँ पे भी तो माल की बिक्री होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, हमें मजदूरी नहीं मिल रही, पेट भराई, तो बताओ आगे से क्या होगा, क्या तो हम अपने बच्चों के लिए करेंगे, क्या अपनी ज़िंदगी के लिए करेंगे। माल जो हमारा आता है हापुड़ मंडी से, रिजेक्ट माल होता है पूरा, जो थर्ड क्वालिटी का होता है, जिसे कंपनी रिजेक्ट कर देती है, और आगे अपने हाथों से सब अपना तैयार करते हैं, और ये अपना आगे मार्केट में जाता है, वार्सल बनता है इसका, नल का, हेडपम्प का वार्सल, और जूती बनती है देसी।
इतना माल कहीं एशिया में नहीं होता जितना हापुड़ में आता था। तो इससे एक पूरा व्यवसाय जो है, करीब 10,000 परिवार इस मंडी से जुड़े हुए हैं। चमड़ा लाने में दिक्कत ये हो रही है, मंडी में चमड़ा नहीं है, माल में माल आ ही नहीं रहा पीछे से कहीं से। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि जिस तरह पहले गोरक्षक गायों के पीछे घूमते थे, उस तरह से किसान अब गाय मवेशी इस तरह के जितने पशु उनके पीछे घूमने लगे डंडा लेकर कि कैसे अपने खेतों को बचाएं। और जब ये दबाव सरकार पर पड़ने लगा, क्योंकि विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो इनकी सरकार के लोग हैं, वो जब बताने लगे कि किसान तबाह है, किसान नाराज है, तब इन लोगों ने अमला लगाया पूरा अपना सरकारी। जो BDO का कार्यालय है, जो तहसील का कार्यालय है, वहाँ के लोगों को निकाला कि भाई देखो पशुओं को देखो। तो जिस तरह से एक समय गो गुंडागर्दी चल रही थी, उस तरह से सरकारी दफ्तरों से लोगों को निकाल निकाल कर किसानों की को खुश करने के लिए, ताकि किसान जो नाराज हैं वो कम से कम ये समझें कि नहीं उनकी बात सरकार सुन रही है। किसान अब जो सरकारी अमला है वो लगा दिया गया कि भाई डंडा लेकर पशुओं के पीछे घूमो। ये देखिए, सोशल मीडिया के रास्ते जब मेनस्ट्रीम मीडिया पर दबाव पड़ने लगा, तो वे कहानियां भी सामने आने लगी लोगों के कि कैसे ग्रामीण लोगों ने, किसानों ने, वे लोग भी जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, जिनके लिए योगी जी और मोदी जी बड़े महान दिख रहे थे उन दिनों, वे लोग भी कैसे गायों को, बैलों को और अन्य जो इस तरह के मवेशी थे जिनको आवारा डाल दिया गया था घूमने के लिए, खेतों को चरने के लिए, पूरे कृषि अर्थतंत्र को बर्बाद करने के लिए, कैसे उनको पकड़ पकड़ कर स्कूलों में, अस्पतालों तक में वो उनको डालने लगे कि उनके खेतों की फसल जो लहलहा रही है उनकी मेहनत से कैसे उसको बचाया जाए। उदाहरण आपके सामने है। आगे आगे बछड़ा भाग रहा है, पीछे पीछे सरकारी बाबू। अब इन चीजों से परेशान ये सरकार, क्योंकि चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं, बहुत जल्दी हैं, 3-1 महीना बचा है। अब ये सरकार गौशालाओं के निर्माण के लिए और उनसे इस समस्या से निजात पाने के लिए एक नए प्रस्ताव दे रही है, नए प्रस्ताव पर काम कर रही है। आप ये देखिए हमारी रिपोर्ट। 2012 की पशु गणना के तहत पूरे राज्य में गायों और बैलों की कुल संख्या तकरीबन 2,38,00,000 है, जिसमें से उन गायों और बैलों की संख्या जिनका किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं होता है वह तकरीबन 43,00,000 है। किसान अपनी कम आमदनी में बेकार हो चुके पशुओं की देखभाल नहीं कर पाता है, इसलिए किसान इन पशुओं को छुट्टा छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। यह छुट्टा पशु अपना पेट पालने के लिए फसलों को चरते हैं और हम सभ्य लोग इसे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को बर्बाद करना कहते हैं। सरकार ने इन आवारा गायों की परेशानी का हल निकालने के लिए सभी गांव और शहरी लोकल बॉडी में अस्थायी गौशाला बनाने का फैसला लिया है और सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए प्रति गाय और बैल प्रतिदिन 30 रुपए खर्च करने की बात कही है। इस तरह से एक गाय पर साल भर में तकरीबन 11,000 रुपए खर्च होंगे, साथ में एक गाय से जुड़ी बीमारी और गौशाला के रख रखाव पर तकरीबन 4,700 रुपए खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर 43,00,000 बेकार हो चुके गायों और बैलों पर चारे व दाने के लिए सालाना 4,700 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसके साथ साल भर में गौशाला चलाने के लिए गायों की बीमारी और गौशाला के रख रखाव पर तकरीबन 2,800 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में सभी लोकल बॉडी में गौशाला बनाने का सारा खर्चा
12,700 करोड़ होगा। इसलिए इस साल राज्य सरकार को गौशाला बनाने पर तकरीबन 20,300 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। और अगर आप दूसरी तरफ नजर डालेंगे तो आपको यह मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के सालाना बजट में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर ग्रामीण विकास पर एक व्यक्ति पर खर्च के लिए केवल 6,700 रुपए तय किया जाता है, जो इस साल प्रति गायों पर खर्च किए जाने वाले पैसे से काफी कम है। अब ये जो चीजें आपके सामने हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स ने घटना स्थल पर जाकर, फील्ड में जाकर जो मेहनत करके ये चीजें आपके सामने लाई हैं, अब इस पर आप सोचिए, आप सोचिए कि हमारे लिए इस पूरे पहलू पर, गाय गोबर की इस राजनीति पर हमारे सामने रास्ता क्या है। एक रास्ता ये है जो ये जनाब क्या कह रहे हैं, सुनिए आप इनकी बात। गौ रास्ता करने वाले भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो धोखेबाज, गद्दार, चोर, दुर्गम बेईमानों को छोड़कर और गौ माता की सेवा करें। गौ माता की जो रक्षा करते, जो सेवा करते माता बहन भाई, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया के अंदर किसी की भी पूजा करो, किसको भी पालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम गौ माता की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम गौ माता को नहीं पूजेंगे, गौ माता की रक्षा नहीं करेंगे धोखेबाज, गद्दार, चोर, दुर्गम बेईमानों से, तस्करों से, क्योंकि वो हमारी जननी माता है और पूरी पृथ्वी की माता है। इसलिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता को स्वस्थ रखे, खुश रखे और गौ माता की सेवा करे और रक्षा करे अपने जी जान से। एक तो इन जनाब को आपने देखा किस तरह से, क्या समाधान ये पेश कर रहे हैं इस समस्या का, क्या इनका दिमाग काम कर रहा है, किस तरह की बात ये पेश कर रहे हैं, या एक दूसरा रास्ता है इस देश को बचाने का, इस समाज को बचाने का, गोवंश को भी बचाने का, खेतिहर समाज को बचाने का, किसानों को, अपनी अर्थव्यवस्था को, इस देश को मजबूत बनाने का। ये आप देखिए हमारी एक क्लिप। मैं श्री योगी जी से और श्री मोदी जी से ये कहना चाहूँगा, जो स्लॉट हाउस पे आपने रोक लगा रखी है उसे आप हटाइए, जैसे जो बूढ़ी गाय हैं या जो सांड हैं, आवारा हैं, तो उनका वहाँ पे जो भी फिनिशिंग होती है वो हो सके। अगर नहीं रख सकते तो जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, ये जो गाते हैं कि साहब ये गौवंश गौवंश गौवंश, तो उनके यहाँ 10-10 गायें छोड़ी जाएं, साथ में सांड भी, और उनको ये बोला जाए कि आपको 10 बीघे ज़मीन दी जा रही है, आप इसमें से ही अपना गुजारा चलाएंगे, अपनी गायों का चलाएंगे, अपने बच्चों का चलाएंगे। अब अगर वो चला देते हैं एक साल में, तो किसान एक भी बिछड़ा या गाय नहीं छोड़ेगा, एक भी कहीं भी आवारा पशु नहीं मिलेगा आपको। मेरा ये कहना है कि आपने सारी रिपोर्ट, हमारे जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने फील्ड में जाकर जो पेश किया है उसको आपने ठीक से देखा। अब आप ही सोचिए, आप विचार कीजिए कि ये समाधान है जो ये जनाब पेश कर रहे हैं, या हमें इस पर संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ बैठकर विचार करना चाहिए, एक तरीका निकालना चाहिए, एक रास्ता खोजना चाहिए कि किस तरह हमारे माल मवेशी भी सुरक्षित रहें, किस तरह से हमारे गाय, बैल, भैंस, बछड़े सभी सुरक्षित रहें और बेहतर उनका स्वास्थ्य हो, अच्छा दूध दें, और दूसरी तरफ कैसे हमारा खेतिहर समाज इनसे लाभ कमाए, कैसे उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से मुनाफा हो और खेती बाड़ी जो हमारी है वह भी सुरक्षित रहे, वो क्या क्या रास्ता हो सकता है, क्या वो जरिया हो सकता है। मुझे लगता है इस पर गंभीरतापूर्वक बैठकर विचार करना होगा, दिमाग से उस जहरीले प्रचार को निकालना पड़ेगा। नमस्कार। इन्होंने पहन रखा है, आप देख रहे हैं कपड़ा, और तेलों लगा रखा है पूरे शरीर पर इनका इनका ओह माय गॉड, हमने माय गॉड, ये ज्ञान के आनंद लोक में डुबकी लगाते हैं, लेकिन देखिए देश राज कर रहे हैं यही लोग।